नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्प बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बताएंगे कैसे आप 5 किलो का जो LPG सिलेंडर है उसमें जो प्रॉब्लम होता है वो आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आपको जला कर दिखा देता हूं कि अभी वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर, देखिए जो नीला शिखा जल रहा है, आपको हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो गैस का आग है वो नीला नहीं येलो कलर का आ रहा है। तो इसमें येलो कलर का आने का मतलब है इसमें जाम है, कुछ मतलब जंग जम गया है। उसको आप कैसे खोल के ओपन करेंगे और कैसे रिपेयर करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और दूसरा होता है गैस आपको निकल नहीं रहा है, मतलब ऊपर में जो आग है कम जल रहा है, उसको भी रिपेयरिंग मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए ओपन करना है इसको। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर वॉशर का, यहाँ से आपको घुमाना है। आपको यहाँ से मतलब प्लास से भी इसको घुमा सकते हैं अगर ज़्यादा टाइट है तो, और अगर यहाँ पर लूज है तो आप हाथ से भी घुमा सकते हैं। तो मेरा लूज है, मैं हाथ से ही घुमा देता हूँ। और इसको खोलने टाइम थोड़ा सा गैस बाहर निकलेगा, तो उसमें कुछ डरने का चीज़ नहीं है। अगर आपको पूरा सा टोटल ओपन करने के बाद फिर भी गैस निकल रहा है तो फिर से आप उसको लगा दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने ओपन कर लिया, तो इसको आप उसके बाद आपको बताएंगे। तो ऐसा ही हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए एक आपको आपको जॉइंट दिख रहा है। तो ये जो भाल्व होता है तो ये अलग होता है, तो इसको आपको यहाँ से ओपन करना है। और ये भी आपको मतलब टाइट लग रहा है ज़्यादा, तो आप यहाँ से प्लास लेके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ज़्यादा टाइट नहीं है तो मैं हाथ से ओपन कर देता हूँ उसको। तो इसे जब येलो कलर का जो सीखा मतलब आग जलता है तो उसमें होता है यहाँ पर अंदर में जंग जम जाता है। जंग थोड़ा थोड़ा है, तो ये जंग जो जम जाता है इसको वॉश कर मतलब कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। और दूसरे उसके बाद यहाँ पर जो बर्नर दिख रहा है इसको भी आपको ओपन करना है। तो बर्नर का देखिए जॉइंट आपको यहाँ पर शायद दिख रहा होगा, यहाँ से जॉइंट होता है बर्नर। तो बर्नर को थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे तो ये देखिए घूम रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइट है तो यहाँ पर देखिए आपको छेद दिख रहा है, देखिए यहाँ पर छेद आपको दिख रहा होगा। यहाँ से छेद में कुछ नकली चीज़ डाल के आप ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइट नहीं है मेरा तो मैं हाथ से ही घुमा देता हूँ। तो ये ओपन हो गया, तो ओपन हो गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अंदर में डबल लेयर का जाली होता है तो उसमें जंग लग जाता है, क्योंकि बाहर का जो होता है कुछ कुछ का ब्रास का होता है, अंदर का जो होता है लोहे का होता है, अंदर का जाली होता है तो उसमें जंग जम के गैस को बाहर नहीं निकलने देता और ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, तब ये येलो कलर का हो जाता है। तो इसको क्या करना है, आपको हाथ से ऐसे मतलब ज़मीन पे ऐसे ठोकना है। तो बहुत देर आप तक ठोकेंगे तो यहाँ से जो जंग है बाहर निकल जाएगा और ये पूरा साफ हो जाएगा। और ज़्यादा इसमें जंग लग गया है मतलब इसको अभी यहाँ से ऊपर में भी छेद हो गया है तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसका 15 से 20 रुपए दाम है मार्केट में, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, ये जो आपका वाल्व है तो वाल्व में प्रॉब्लम होता है कि ऐसे गैस निकलता ही नहीं है, मतलब पूरा जाम हो जाता है। यहाँ पर आपको छेद दिख रहा है, तो इसको ओपन करने के लिए आपको एक प्लास लेना होगा। प्लास लेने के बाद यहाँ से आपको ऐसे पकड़ना है इसको, क्योंकि यहाँ से ये ज्वाइन होता है, ठीक है। तो ज्वाइन इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो ऐसे जब एक बार घुमा देंगे तो उसके बाद हाथ से ही ये ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन हो गया, तो इसमें अंदर में जम लग जाता है। ये जो आपको वाल्व दिख रहा है यहाँ पर जाम लग जाता है, यहाँ पर एक छेद मिडिल में एक छेद होता है तो यहाँ पर जाम हो जाता है। तो आप इसको इधर से भी यहाँ से इस तरह का पिन मार्केट में मिल जाता है इसको वॉश करने के लिए। अगर आपके पास पिन नहीं है तो इलेक्ट्रिक का जो वायर होता है उससे भी आज इसको वॉश कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक का जो मतलब सबसे कम मतलब पतला वाला वायर होता है उससे वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह का आप यहाँ से देखिए घुसाएंगे तो ये घुस जाएगा, देखिए ये घुस गया है ऊपर आपको दिख रहा है। तो इस साइड से और इस साइड से भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप जब इसको पूरा वॉश कर देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। तो साफ होने के बाद फिर से आप ये इसको भी आप जो अगर इसमें अभी कुछ धूल जमा है तो ऐसे आपको मुंह से फूदे के इसको वॉश कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर से इसको सेट कर देना है और इसको लूज नहीं रखना है, ठीक है, मतलब पूरा टाइट कर देना है। अगर लूज टाइट नहीं करेंगे तो गैस साइड से निकल के प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर आपका राबर ख़राब है, देखिए राबर अगर साइड से गैस मतलब निकल रहा है तो यहाँ से आप राबर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो वॉशर होता है तो
एक दो बार ये चल जाता है, मतलब दो तीन बार इसको ओपन करके अगर सेट करेंगे तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो वाशर भी मार्केट में मिल जाता है, इसका भी दाम बहुत कम है, 1 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद फिर से आपको सिलेंडर में इसको सेट कर देना है, ठीक है। और इसमें मतलब ओपन करने का टाइम और इसको लगाने का टाइम थोड़ा सा गैस निकलता है, उसको डरने के में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर टोटल ओपन हो जाने के बाद भी गैस निकल रहा है तो फिर से उसको सेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये जो जाली है इसको यहाँ पर सेट कर देना है, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो पहले मैंने ओपन किया था तो इसको मैंने अभी सेट कर देता हूँ। इसको मैं देखिए अभी गैस निकल रहा है, देख सकते हैं आप, आवाज़ निकल रहा है, गैस ठीक से निकल रहा है अभी। तो इसे हाथ देके आप इसको चेक कर सकते हैं कि हाँ गैस सही से निकल रहा है। तो ये लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर स्टैंड देना है और स्टैंड के ऊपर ये बर्नर लगेगा, ठीक है। स्टैंड का मिडिल में जो है इसको उसको बस टाइट कर देना है। और इसको मतलब टाइट, मतलब ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा प्लास्टिक टाइट कर दिया, हाथ से जितना जाता है उसमें टाइट कीजिए। ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ऊपर में जो बर्नर के ऊपर में जो थाली रहता है वो ये वाला पोर्शन घूम जाता है। तो ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ से जितना जा रहा है उतना ही टाइट कीजिए, ठीक है। और खोलने का टाइम आपको ज़्यादा टाइट हो सकता है क्योंकि जंग लग जाता है। तो उसमें आप तेल देख के रखिए, जो केरोसिन का ऑयल है उसको देख के रखिए, 2-3 घंटे बाद ट्राई कीजिए, ओपन हो जाएगा। तो मैं फिर से इसको आपको जला के दिखाती हूँ। देखिए अभी ठीक जल रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको घर में रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।